अल्लाह वेलकम टू माई YouTube चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेस्टी पोहा की रेसिपी जो कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बर्तन गरम कर लेंगे और इसमें हाफ़ कप ऑइल ऐड करेंगे तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम एक चम्मच ज़ीरा डालेंगे साथ ही में इसमें प्याज ऐड कर देंगे मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लिया है इसको हम दो मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज करना नहीं है बस इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है इसके बाद हम इसमें एक कप मूंगफली के बीज ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे तेल में मूंगफली के बीज ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्च के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है और पोहा ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है इस इसलिए हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा इक्वल ही रखेंगे इसमें हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसकी भी कच्ची स्मेल जाने था इसको भी थोड़ा सा मिक्स करते हुए भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे अब डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी पाउडर साथ ही में ऐड कर देंगे नमक इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसको भी अच्छे से एक दो मिनट तक के लिए भून लेंगे मसालों को अब इसमें डालेंगे हम टमाटर यहाँ पर मैंने लिया है चार मीडियम साइज के टमाटर इसको स्लाइस करके ऐड कर देंगे और इसको भी दो मिनट तक भून लेंगे इसी तरह से मिक्स करते हुए अब हम इसमें थोड़े से करीलिप्स ऐड करेंगे और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे चॉप करके और इसको भी मिक्स कर लेंगे आप यहाँ पर पुदीना भी ऐड कर सकते हैं इसमें और स्किप भी कर सकते हैं अब हम टमाटर करने के लिए इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पर रख कर ही टमाटर यहाँ पर थोड़ा सा अंडर कुक है इसलिए इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम थोड़ा सा और पका लेंगे तो टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे अगर आपको इसका टेक्सचर क्रंची होना है तो आप इस पॉइंट पर पोहा ऐड कर सकते हैं मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ मैंने यहाँ पर लिया है राइस फ्लेक्स यानी कि पोहा सात ग्राम है इसको हम अच्छे से वॉश करके एक पाँच मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए अगर हम इसको वॉश करते ही इमीडिएटली इसमें ऐड कर देंगे तो ये लम्स बन जाएंगे इसलिए फ़ैन के नीचे रखेंगे अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोहा बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे तो इसको मिक्स करने में अच्छे से आसानी होगी इसलिए मैंने यहाँ पर खुले बर्तन का इस्तेमाल किया है आप इसको पैन में भी बना सकते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद दो नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको भी मिला लेंगे यहाँ पर मैंने पोहे को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे इसको अच्छे से गर्म होने के लिए ये देखिए इसको कवर कर देंगे पोहा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए इसको हम गर्म गर्म में ही सर्व करेंगे तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं ये बहुत ही हेल्थी और यम्मी ब्रेकफास्ट है आप इसको इजीली बना सकते हैं और इसकी रेसिपी बहुत इजी है तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऐसे ही रेसिपीज़ के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़